दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे एग्जामिनेशन के डेट को लेके पीयूष गोयल जी ने एक ऑफिशियल ट्वीट किया है, तो आपको बताएंगे कि पीयूष गोयल जी ने क्या बताया कि कब से एग्ज़ाम होगा। तो एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफिशियल, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑफिशियल पेज है, पीयूष गोयल ऑफिशियल वेरीफाइड है। तो इन्होंने जो ट्वीट किया है 25 अप्रैल पर ट्वीट किया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन रेलवे हैज़ मेट इट अपकमिंग रिक्वायरमेंट ड्राइव कम्प्लीटली ऑनलाइन, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द प्रोसेस। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंसल्ट एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली रेलवे एग्जामिनेशन से स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और जीके जीएस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं कि आप क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। स्किन त्वचा, लार्ज इंस्टाइन बड़े आँत, स्मॉल इंस्टाइन छोटी आँत, लीवर आकृति। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं जिनको भी क्वेश्चन का जवाब आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्विटर से क्या ट्वीट किया गया है। तो उसके पीछे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिंक दिया गया है, तो आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक ओपन होगा जहाँ पर कम्प्लीट डिटेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंसल्ट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आर इम्पैक्ट अपॉन द ट्रांसमिशन लीप ऑफ द इंडिकेशन ऑफ आईटी बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम सॉल्यूशन इज ए वेरी वेस्ट सिंस 2015। जो ये लिखा हुआ आप कंप्लीटली रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंटली RRB हैव पब्लिश टू फ्रेश नोटिफिकेशन, जनरल वन जो कि ALP और टेक्नीशियन के लिए है और एक जिसमें 26,000 और वैकेंसी है, और दूसरा है OCN02 जो कि ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी के लिए है। यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्यू स्लाइड हाईलाइटेड ऑफ दिस ऑनलाइन एग्जाम आर अंडर कंडक्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है। एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंसी करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑनलाइन किया जा रहा है। दूसरा होगा कि वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इन कन्वेंशनल मोड दिस टेस्ट शुड बी टेकन 2 मंथ 10। तो 2 मंथ के अंदर ये सारे एग्जामिनेशन क्या होगा कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि इन्हेंसमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, देर आर नो इंटरव्यू RRB एग्जामिनेशन। यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी इंटरव्यू RRB एग्जामिनेशन में नहीं होगा, रेलवे एग्जामिनेशन में नहीं होगा। आप एग्ज़ाम क्लियर करें और आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। सिस्टम ऑफ अपलोडिंग आंसर की इंट्रोड्यूस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जिसको बोलते हैं, कैंडिडेट आर शोन देयर क्वेश्चन पेपर आंसर बुकलेट अलोंग विद द करेक्ट आंसर की। देयर आर ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन आंसर की, यानी मीन्स एग्जामिनेशन में ऑप्शन दिया गया है कि आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखते हैं कि गलत है तो उसके बाद आप उसको फायर कर सकते हैं, आपको फाइल कर सकते हैं, तो रेज क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद आपको आंसर बुकलेट प्रोवाइड कर दिया गया जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन को देख के आंसर को मिला कर सकते हैं। इससे फेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा और फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ रेलवे का बोर्ड का दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आप जिस भी रेलवे बोर्ड में आप अप्लाई किए हैं वहाँ पे जाके आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और क्वेश्चन जो मैं आज पूछा हूँ उसका आंसर हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।